फंजाई का टॉपिक हम पढ़े थे और फंजाई के टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बात करेंगे बॉडी ऑफ फंगस में। यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, फंगस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फंजाई की जो बॉडी होती है उसे हम आमतौर पर माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम, और माइसीलियम किस तरह का स्ट्रक्चर है? माइसीलियम बेसिकली एक लॉन्ग ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा, ब्रांचेस बनी होती हैं और थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि फंजाई के ऊपर एक सेल वॉल होती है, बट फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन से मिलकर। और काइटिन क्या मटेरियल है? काइटिन बेसिकली एक हार्ड सा मटेरियल होता है जो कि मोस्टली पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स, अगर आपको याद हो, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनिमल्स की, तो उसके अंदर हमारे पास जो इंसेक्ट्स वाला ग्रुप आता है ना, वो आर्थ्रोपोड्स कहलाता है। तो आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग शेल नुमा की, वो कहलाती है काइटिन। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी है। इससे फंजाई को फायदा ये होता है कि ये बहुत रेजिस्टेंट होती है डीके के, रेजिस्टेंट टू डीके। यही वजह है कि फंजाई जो है थोड़े से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। इसके बरक्स अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो हम जानते हैं कि वो सेलुलर से मिलकर बनी है, या कुछ केसेस में लिग्निन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो फंजाई के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट थोड़ी सी डिफरेंट है प्लांट से। अच्छा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमने बात की फंजाई की बॉडी को, हम कहते हैं माइसीलियम। अब माइसीलियम क्या है? माइसीलियम को हमने कह दिया कि वो लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यूनिट्स जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हाइफी। इसको मेंशन भी कर देते हैं हाइफी। और हाइफी की फिर मजीद आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है सेप्टेट हाइफी और एक कहलाते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट, ऐसे ए सेप्टेट भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, हाइफी क्या चीज़ है, और सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या चीज़ है? इसको अगर आप एक इमेज से देख लें, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है एक सेप्टेट हाइफी और एक नॉन सेप्टेट हाइफी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में डिफरेंस क्या है, सेप्टेट जो वर्ड है बेसिकली ये निकला है सेप्टा से, सेप्टा। और सेप्टा का क्या मतलब होता है? सेप्टा आप समझ लें एक किस्म की पार्टीशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेप्टेट हाइफी, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको कुछ पार्टीशन नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि आपस में इकट्ठे हुए हुए हैं और एक चेन बन गई है। ठीक है, जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी जो आपको बी फिगर नज़र आ रही है, नॉन सेप्टेट हाइफी की, इसमें क्या है कि एक लंबी सी ब्रांच है और उसकी मजीद फिर आगे से और ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पर्पल कलर में डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, बट सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर सेप्टा या हर एक यूनिट के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे न्यूक्लियस हैं जो कि थोड़े थोड़े फासले पर पाए जाते हैं। थियोरेटिकली हम कहते हैं कि सेप्टेट हाइफी वो हाइफी है जो कि डिवाइड हुई हुई है क्रॉस वॉल से, इट इज़ डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स। और वो क्रॉस वॉल्स क्या कहलाती हैं? वो वॉल्स कहलाती हैं सेप्टा। नॉन सेप्टेट हाइफी में हम कहते हैं कि नॉन सेप्टेट हाइफी लैक सेप्टा, इनके अंदर सेप्टा नहीं होता या कोई भी पार्टीशन नहीं होती। इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सेप्टेट हाइफी की जो एक एग्जांपल है वो है मशरूम, ये है इसकी एग्जांपल। और नॉन सेप्टेट हाइफी की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है राइजोपस या म्यूकर, इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन सेप्टेट हाइफी के एग्जांपल में आ जाते हैं। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं ताकि हम डिटेल में इसको समझ लें। सबसे पहले हमने बात की है नॉन सेप्टेट हाइफी की, या बल्कि ऐसे करते हैं कि हम पहले सेप्टेट को पढ़ लेते हैं। तो सेप्टेट हाइफी में हमने देखा था कि इनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और वो कहलाती हैं सेप्टा, यानी कि इनके अंदर पार्टीशंस होंगी।
अब ये जो पार्टीशंस हैं इनसे होता क्या है, बेसिकली इन पार्टीशन से हो ये रहा होता है कि पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने बात की थी माइसीलियम की, तो पूरा माइसीलियम जो है वो डिवाइड हुआ होता है इनटू इंडिविजुअल सेल्स। अगर हम इस तरह से करके इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और हमने देखा था कि इस तरह से पार्टीशन हुई हुई है, ये जो पार्टीशन है ये क्या है, या ये वॉल है बेसिकली एक, जो कहलाती है सेप्टा। ठीक है, अब इस वॉल के अंदर क्या होता है, अंदर इसके जिस तरह से नॉर्मली हम एक सेल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर सेल वॉल है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो वो सब कुछ इसके अंदर पाया जाएगा। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब सेप्टा बन जाती है तो सेप्टा डिवाइड कर देती है इस पूरे माइसीलियम को इंटू इंडिविजुअल सेल्स। अब इसमें क्या है कि ये एक सेल है, ये एक और सेल है, ठीक है, ये एक और सेल है, यानी ये सब सेपरेट सेल्स बन गए। और सेल के अंदर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये इस तरह से हम इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर कोई एक एक न्यूक्लियस अगर होगा तो हम उसे कहेंगे मोनोकैरियोटिक, अगर समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हों, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और जब दो हो जाएं तो दो न्यूक्लियस को हम कहेंगे डाइकैरियोटिक, बल्कि इसको मेंशन भी कर देते हैं। मोनोकैरियोटिक क्या है, वन न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक दो न्यूक्लियस हो एक सेल के अंदर। तो ये हमने देख लिया सेप्टेट हाइफी को। अच्छा, इसके अंदर भी फिर मजीद कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, और वो वेरिएशन किस तरह की होती हैं कि ये जो यहाँ पे हमने सेप्टा को ड्रॉ किया है, सेप्टा के अंदर कुछ ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पे पोर्स हो, ठीक है, यानी सेप्टा जो है वो पोरस भी हो सकता है। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम पोर्स बना लेते हैं, ये बन गए पोर्स। ठीक है, अच्छा, पोर्स से होता क्या है बेसिकली, इससे ये होता है कि हमने कहा था कि सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म था तो पोर्स से ये फ़ायदा होता है कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे के अंदर, दूसरे से तीसरे के अंदर, ये पूरा इस पूरे माइसीलियम के अंदर जो है वो मूव कर सकता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ना सिर्फ मूव कर सकता है बल्कि इसके कुछ और भी फायदे हैं, उनको हम मेंशन कर देते हैं वन बाय वन। एक तो हमने ये कहा कि साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा, साइटोप्लाज्म कैन मूव। इसके अलावा ऐसे होता है कि जब साइटोप्लाज्म मूव करता है तो अपने साथ कुछ और मटेरियल्स भी लेके जाता है, ठीक है, तो इट कैन कैरी मटेरियल विद इट, और मटेरियल कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, इसको ग्रोइंग टिप की तरफ ले जाएगा, ग्रोइंग टिप। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा कि चेन है तो चेन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से ग्रो कर रही होगी, कोई एक टिप ऐसी होगी जहाँ से वो मज़ीद आगे की तरफ ग्रो कर रही होगी, तो ग्रोइंग टिप की तरफ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होगी फूड कंपोनेंट्स की, तो उस तरफ मटेरियल जो है वो मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हमने फ़ायदा देख लिया इसके अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं उसका। एक और इमेज है मेरे पास जहाँ पे आपको सेप्टेट हाइफी दिखाया जा रहा है, और सेप्टेट हाइफी में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डाइकैरियोटिक है, इसके अंदर दो दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियाई यानी कि, और बाहर के साइड पे एक सेल वॉल है। ये जो पार्टीशन है यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई जा रही है, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पार्टीशन दिखाई गई है जो कि है सेप्टा, और सेप्टा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोरस है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर से साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास सेप्टा या सेप्टल पोर, और इसके बाद है साइटोप्लाज्म जो कि इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक सेप्टेट हाइफी की एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी के ऊपर। अच्छा, नॉन सेप्टेट हाइफी के बारे में हम जानते हैं कि इनके अंदर सेप्टा नहीं होती, यानी कोई पार्टीशन नहीं होती, यानी दे लैक सेप्टा, सेप्टा नहीं है तो ये डिवाइड भी नहीं हुए होते, दे आर नॉट डिवाइडेड। और जब डिवाइड नहीं होते तो फिर क्या होता है, डिवाइड नहीं हुए होते तो ये जो हमने इसके अंदर माइसीलियम की बात की थी, माइसीलियम के अलावा जो हाइफी की बेसिकली हमने बात की थी, हाइफी जो है वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि ये एक ही लंबा सा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ढेर सारे न्यूक्लियस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और वो पूरा का पूरा क्या होगा, वह एक ही सेल होगा। यहाँ पे ऊपर जब हमने एक फिगर देखी थी नॉन सेप्टेट हाइफी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
और इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे आपको पर्पल पर्पल जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं क्या है, न्यूक्लियाई हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इजिली इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया नॉन सेप्टेट हाइफी को। ऐसा हाइफी जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है या जिसे हम नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हाइफी कहते हैं, इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम कोएनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं, कोएनोसिटिक हाइफी। और कोएनोसिटिक हाइफी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खसूसियत है? इसकी खसूसियत यह है कि साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर इजीली मूव कर सकता है एंड दे लैक सेप्टा, इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ओवरऑल अगर हम माइसिलियम की एग्जांपल देखना चाहें तो एक ओवरऑल अगर हम माइसिलियम की एग्जांपल देखें, एक इमेज में इस इमेज में आप देख सकते हैं आपको मशरूम दिखाया गया है। मशरूम बेसिकली क्या है, वो सेप्टेट हाइफी होती है। और इसमें जब हम बात करते हैं माइसिलियम की, तो माइसिलियम क्या चीज़ होती है, माइसिलियम बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो थ्रेड्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं ना, ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जैसे आपको लग रहा है रूट्स हैं ये, तो ये क्या है बेसिकली, ये रूट्स नहीं है ये, बल्कि इसे हम कहते हैं ये है माइसिलियम, यानी कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइसिलियम, ठीक है। और इस माइसिलियम के अंदर जो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं हाइफी, ठीक है। और कुछ हाइफी आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड से ऊपर हैं, कुछ अंडरग्राउंड हाइफी हैं। ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसको हमने पढ़ा था, जिसके अंदर से फिर हमने इसकी मजीद दो टाइप्स, स्टेप सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी देखी। माइसिलियम की जहाँ बात करें, यहाँ पे भी आप इसका एक नेटवर्क, एक मैश देख सकते हैं। माइसिलियम जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। वैसे तो फंजाई के सारे पार्ट्स ही एक्टिव होते हैं और वो ग्रो करते हैं, लेकिन माइसिलियम जो है वो हम उन लॉन्ग चेन्स को कह रहे हैं। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जनरली अगर माइसिलियम को हम स्ट्रेट साइड बाय साइड रखते जाएं, यानी कि इसकी लंबी चेन एंड टू एंड बनाते जाएं, तो हम कहते हैं कि माइसिलियम जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक ग्रो करता है इन वन डे, यानी एक दिन में माइसिलियम जो है 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमारे पास है आर्मिलेरिया। और आर्मिलेरिया क्या है, बेसिकली एक पैथोजेनिक फंजाई है, पैथोजेनिक फंजाई। और इसकी अगर लेंथ मेजर की जाए, इसकी एक जगह पे लेंथ मेजर जो की भी गई वो तकरीबन कितनी थी, वो 15 हेक्टर जितनी थी। और हेक्टर्स आप जानते हैं कितना होता है, ये तकरीबन हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर तक फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक फंजाई या एक ऑर्गेनिज्म की इतनी लेंथ हम देख रहे हैं, ठीक है, या इतना एरिया देख रहे हैं जिसमें ये फैले हुए हैं। हम इसकी अगर एग्जांपल देखें फंजाई की, तो आप जानते हैं जिस तरह से ब्रेड के ऊपर अक्सर ब्रेड मोल्ड लग जाती है, ठीक है, काई वगैरह जम जाती है ब्रेड के ऊपर, या फिर कुछ फ्रूट के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, अगर हम उनको कुछ अरसे के लिए वैसे ही रख दें, अक्सर फ्रिज में पड़े पड़े भी या वैसे किचन के अंदर भी कुछ खाने की चीज़ों के ऊपर काई वगैरह जम जाती है, तो वो क्या होता है, बेसिकली फंजाई होती है। उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा एक जाले की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, और उसके अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक एग्जांपल जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और इस तरह से आपने अक्सर देखा भी होगा घरों में भी पाए जाते हैं कुछ फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, ब्रेड वगैरह के ऊपर। तो ये क्या है, ये फंजाई है, और ये फंजाई बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर आप पीच को देख लें, पीच के ऊपर अक्सर आपको नज़र आएगी, या माल्टे के ऊपर नज़र आएगी। ये कहाँ पाई जाती है, मोस्टली ये उन सर्फेसिस के ऊपर पाई जाती है जहाँ पे मॉइस्चर होगा, ठीक है। मॉइस्चर एक तो उसको अपने फूड के लिए भी चाहिए, और दूसरा मॉइस्चर में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो फंजाई की, वो ये है कि वो स्प्रेड होते हैं। देखें सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट हम कहते हैं वो चीज़ जिसके ऊपर फंजाई आके अटैच हो गई है, जिस तरह से एंजाइम्स के केस में हमारे पास सब्सट्रेट होता है ना, इसी तरह फंजाई के केस में हम देख रहे हैं सब्सट्रेट, और सब्सट्रेट के ऊपर सब्सट्रेटम जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर आके फंजाई का पहला काम ही होता है कि उसने अपने आप को स्प्रेड करना होता है, ठीक है, वो इसके सारे एरियाज के ऊपर। यही वजह है कि आप किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को देखें जिसके ऊपर फंजाई हो, तो क्या होगा कि पहले एक पतली सी लेयर उसकी पूरी बॉडी को कवर करेगी, और फिर उसके बाद वो लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होती जाएगी। ओवरऑल जब हम इसकी बॉडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फंजाई या फंजाई के अंदर जो हाइफी है वो समटाइम्स पैक्ड होती है, और वो पैक होके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती है, जिस तरह के हमने अभी मशरूम की एग्जांपल देखी है। मशरूम के अंदर भी हमने देखा था एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, और आपको एक मैश या नेटवर्क नज़र आता है, ठीक है।
फंजाई के अंदर जो न्यूक्लियस हमने देखा था उसको हम कहते हैं कि फंजाई का जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड किसे कहते हैं? हैप्लॉयड कहते हैं इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे, बट इन सम केसेस ये जो हैप्लॉयड है डिप्लॉयड भी हो जाता है। ये कब होता है? जब फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन अभी हम जस्ट इसको मेंशन कर रहे हैं, इनको डिटेल में हम वन बाय वन देखते जाएंगे जब इनके टॉपिक्स पे हम आएंगे, जब हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे या जब हम ग्रोथ को देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास फंजाई का टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने इसकी बॉडी को बेसिकली देखना था, बॉडी स्ट्रक्चर को, क्या किसकी बॉडी होती है। थोड़ा सा हम इसे समराइज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर को कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने फंजाई की बॉडी को देखा जिसके अंदर हमने कहा कि फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं और माइसीलियम जो है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या इसके जो यूनिट्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हाइफी। और हाइफी को फिर हमने कहा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सेप्टेट हाइफी, एक नॉन सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी को हमने कहा कि इसके अंदर स्पेशल पार्टीशंस पाई जाएंगी जैसे से इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं। नॉन सेप्टेट के अंदर कोई पार्टीशन नहीं पाई जाती। सेप्टेट हाइफी का हर यूनिट जो है वो एक सेल होता है, एक सेपरेट सेल होता है, जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी का जो पूरा का पूरा एक यूनिट है वो पूरा का पूरा एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हमने सेप्टेट हाइफी में कुछ मल्टाई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी देखे, यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट थे। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी देखा तो हमने कहा कि नॉन सेप्टेट के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल के अंदर, क्योंकि जो पूरा का पूरा हाइफी है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। कुछ और एग्जांपल हमने इसकी देख ली कि फंजाई बेसिकली हमारे फूड सब्सटेंसेस के ऊपर या कहीं भी जो पाया जाता है वो किस तरह से दिखता है, और इसके साइज़ को हमने देख लिया कि फंजाई कितनी जल्दी ग्रो करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम वन बाय वन फंजाई के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रही है इसको देख लेंगे, और फंजाई के कुछ ग्रुप्स हैं जो इसकी क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।